नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर एट ए ग्लांस। यानी कि एट ए ग्लांस का मतलब होता है एक ही नजर में पूरा का पूरा विलियम शेक्सपियर का नॉलेज रखना, कहलाता है विलियम शेक्सपियर एट ए ग्लांस। इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है अभी 29 अक्टूबर को यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली है, और वैकेंसी इसे नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बम्पर वैकेंसी। और ये वैकेंसी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो टीजीटी पीजीटी के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहते हैं, और उनका उस सपना साकार करने के लिए इंग्लिश मास्टर कोचिंग की तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। और उस प्रयास में मैंने भी आज से आपके लिए बहुत ही एक्टिव होकर के पीजीटी टीजीटी के लिए जबरदस्त वीडियो की सीरीज बनाने का निश्चय किया है। और आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको बता रहे हैं, विलियम शेक्सपियर एट ए ग्लांस, यानी कि विलियम शेक्सपियर के बारे में एक नज़र में कैसे पढ़ें, कि एक नज़र में सब कुछ कैसे जान लें, वो बताने की कोशिश करिए। और जैसा कि आपको पता है कि काकादेव में छपेड़ा पुलिया पर इंग्लिश मास्टर का ऑफलाइन सेंटर भी है, जहां पर तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं। तो इस टीजीटी पीजीटी के लिए, इंग्लिश के लिए खास तौर से, मैंने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, और ये बैच आपका 3 से 4 घंटे की रोज तैयारी कराएगा। और इसीलिए ये स्पेशल बैच है टीजीटी पीजीटी का, और इस बैच के लिए मैंने एक स्पेशल टैगलाइन तैयार करी है कि 3 से 4 घंटे की रेगुलर, मतलब 7 डेज तैयारी और सरकारी नौकरी पक्की तुम्हारी। कि अगर आप हमारे संस्थान में 3 से 4 घंटे की रेगुलर क्लास लेते हैं, वो भी 7 दिन क्लास लगेगी, और जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, जिस तरह से आपके साथ मेहनत की जाएगी, अगर आप भी हमारे साथ मेहनत करते हैं, वो सब कुछ आप तैयार करते हैं, तो सरकारी नौकरी इस बार पक्की होगी आपकी। तो इसी श्रृंखला में हम लोग कुछ वीडियो के माध्यम से भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक ध्यान रखिएगा, इस बैच के लिए, इसका नाम है स्पेशल बैच, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, और जैसा कि कोरोना काल में लोगों के सामने आर्थिक समस्या भी आई है, तो उस आर्थिक समस्या को देखते हुए इस फुल कोर्स की जो मैंने फीस रखी है वो है मात्र 3850 रुपये। जी हाँ, सही सुना आपने, 3850 रुपये। और ये वो फीस है जो हम एयरफोर्स या एसएससी के बच्चों से भी चार्ज करते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी की बहुत फीस होती थी, 10 से 15 हज़ार तक की मैं फीस लेता था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ इस बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सबके, हो सकता है पेरेंट्स के यहाँ आर्थिक दिक्कतें रही हों, और वो आर्थिक दिक्कतें आपके करियर में रुकावट न बने, तो सिर्फ और सिर्फ 3850 रुपये में कंप्लीट कोर्स पढ़ें, 3 से 4 घंटे की रोज क्लास, 3 से 4 घंटे की रोज क्लास लें, 7 डेज क्लास लें, और अपने अध्यापक बनने के सपने को, अपने अध्यापक बनने के सपने को साकार करें। तो आइए आज हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर एट ए ग्लांस, विलियम शेक्सपियर के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज लिटरेचर के, अभी तक आपने देखा होगा इंग्लिश मास्टर के यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और वो वीडियो अभी तक एसएससी, बैंक, डिफेंस के बच्चों के लिए थे, जिसमें ग्रामर के टॉपिक थे और वोकैबुलरी के टॉपिक थे। पहली बार इस वीडियो पर, इस चैनल पर, मैं एक लिटरेचर के वीडियो की सीरीज ला रहा हूँ, खासतौर से टीजीटी और पीजीटी बच्चों के लिए, स्पेशल ऑफर के लिए। तो पहला टॉपिक विलियम शेक्सपियर मैंने इसलिए लिया है कि शायद विलियम शेक्सपियर वो नाम है जो सबको पता है, और चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि टीजीटी के लिए कुछ
आथर्स अलग होते हैं और पीजीटी की तैयारी के लिए आथर्स और वर्क्स अलग होते हैं, लेकिन ये एक कॉमन टॉपिक है जो दोनों में काम आएगा। और शायद विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। और जिस टॉपिक के बारे में आपको लोग बहुत डराते होंगे कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा राइटर है, बहुत कुछ है, लेकिन मैंने उस सबको कम से कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा हाँ कि सच में कि अब सरकारी नौकरी पाने का आपका जो सपना है वो साकार हो जाएगा, कि अगर YouTube पर इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है तो ऑफलाइन क्लास में आप कितने ढंग से पढ़ सकते हैं, कितना अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करेंगे, अपनी बात करेंगे और आपको एक जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। तो आइए सीखते हैं विलियम शेक्सपियर एट ए ग्लांस में, कि हम आपको सिखाएंगे कौन थे विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का बॉर्न क्या है, बैप्टाइज्ड कब हुआ है उनका, उनका डेथ कब हुआ है, उनके रेस्टिंग प्लेस कहां पर उनको दफन किया गया है, ऑक्यूपेशन उनका व्यवसाय का क्या था, वर्क्स उनकी कौन कौन रचनाएं थी, ईयर्स एक्टिव किस वर्ष के दौरान वो बहुत एक्टिव रहे अपने रचनाओं को रचने में, एरा उनका एरा क्या है, मूवमेंट किस मूवमेंट से संबंधित है, स्पाउस उनकी स्पाउस यानी वाइफ का नाम क्या है, चिल्ड्रन उनके कितने चिल्ड्रन थे, पेरेंट्स उनके फादर का नाम क्या है, उनके मदर का नाम क्या है, रिकॉग्निशन और उनको क्या पहचान क्या सम्मान दिया गया इंग्लैंड में। आपको देखा होगा कि आपके कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम इन्हीं में से पूछे जाते हैं। बस अगर शेक्सपियर के बारे में पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा कि वो उनका बॉर्न क्या है, उनकी डेथ क्या रही है, उनका कहाँ दफन किया गया है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनका कौन सा एरा था, कौन सा मूवमेंट था। तो ये सब हमने आपको बहुत कम शब्दों में, बहुत ब्रीफ में फुल नॉलेज देने की कोशिश की। तो ये सीखते हैं विलियम शेक्सपियर का जो बॉर्न है, उनका जो बर्थ प्लेस है वो है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वार्विकशायर इंग्लैंड। आपको पता है ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन एक जगह है वार्विकशायर में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और उनकी जो जन्म की डेथ है, सॉरी जन्म की जो डेट है, तारीख है, वो है 23 अप्रैल, यानी कि 23 अप्रैल 1564। तो क्या सीखा आपने, शेक्सपियर का जो जन्म है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ है, जो कि इंग्लैंड के वार्विकशायर की एक जगह है, और उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। और ये डे जो है इंग्लैंड में सेंट जॉर्ज डे के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इतने आराम से अगर हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं सीखेंगे, तो हो गया ना। अगर आपको देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि बैप्टाइज्ड कब हुआ इनका, बच्चों बैप्टाइज होता क्या, जो इंग्लैंड में जो अंग्रेज लोग होते थे, ब्रिटिश लोग होते थे, तो उनके यहाँ क्या होता था कि जन्म के बाद उनको चर्च में लेकर ले जाकर उनका नामकरण होता था और वो नामकरण कहलाता था बैप्टाइज। तो 23 अप्रैल को 1564 को उनका जन्म हुआ। और पता है ये जन्म की डेट कहीं भी लिखी नहीं है, लेकिन जो चर्च में उनका जो बैप्टाइज्ड हुआ है उसका डेट पड़ा हुआ है कि इनको 26 अप्रैल 1564 को चर्च में इनका नामांकन कराया गया था। तो उसी डेट के हिसाब से, क्योंकि होता क्या था कि जन्म के 3 दिन बाद बच्चे को चर्च में ले जाकर के बैप्टाइज कराया जाता था। तो देख लोगों ने लगाया, जो स्कॉलर से उन्होंने अंदाज लगाया कि अगर 26 अप्रैल 1564 को इनका नाम लिखा है चर्च में, तो इनका जो जन्म हुआ होगा वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ होगा। डाइट यानी इनकी मृत्यु कब हुई, तो बच्चों एक बहुत संयोग है कि इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को और इनकी मृत्यु भी हुई है 23 अप्रैल को। तो ऐसे जब पढ़ेंगे ना तो आपको याद करना बहुत आसान रहेगा, इनका जन्म भी है 23 अप्रैल को, मृत्यु भी है 23 अप्रैल को। बस कैसे याद रखना कि जन्म हुआ था 1564 को और मृत्यु हुई है इनकी 1616 को, यानी कि ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564
और ही डाइट ऑन 23 अप्रैल 1660, यानी कि 1616 को, 1616 23 अप्रैल को इनका डेथ हुआ है। और जब इनकी डेथ हुई थी उस समय इनकी जो एज थी वो मात्र 52 ईयर्स थी। आप सोचिएगा 52 ईयर्स में कितने प्लेज लिख करके, कितनी रचनाएं करके इन्होंने अपने आप को इमॉर्टल बना लिया। लिटरेचर की दुनिया में वो बहुत बड़े स्टालवार्ट है, अमर हैं। और इनका जो डेथ हुआ है वो भी जिस जगह पर इनका जन्म हुआ है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर में इनका जन्म हुआ है, और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई। आपने पढ़ा होगा कि ये कई जगह घूमे, कई जगह गए, कई जगह काम किया, लेकिन जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ मरने के समय वो उसी स्थान पर वापस आए। तो ये लर्न करना बहुत आसान होगा कि जहां जन्म है उनका वार्विकशायर, यानी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर में वही उनका जन्म है, और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर में वही उनकी मृत्यु हुई। तो ये लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। और जन्म और मृत्यु की तारीख भी एक है, 23 अप्रैल को जन्म है और 23 अप्रैल को उनका मृत्यु भी हुआ है। बस क्या है, ईयर बदलिएगा। जन्म का ईयर है 1564 और मृत्यु का ईयर है 1616, एज 52 ईयर्स। अगला है रेस्टिंग प्लेस। बच्चों रेस्टिंग प्लेस मतलब होता है कि किस जगह पर इनको दफन किया गया। आपको पता ना कि जो क्रिश्चियन लोग मरते हैं उनको दफन किया जाता है, तो इनका जो रेस्टिंग प्लेस है, इनका जो दफन किया गया है वो है चर्च ऑफ होली ट्राइनिटी। अब देखिए उनका जो रेस्टिंग प्लेस है, उनका जो उनको शरीर को जो दफनाया गया है वो भी स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में ही। तो देखिए आपको लर्न करना बहुत आसान है, जन्म हुआ स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में, मृत्यु हुई स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में, और जहां पर इनको दफन किया गया वो भी जगह का नाम है स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। क्यों नहीं याद रहेगा भैया, कितना आसान तरीका है आपको सिखाया जा रहा है। और उस चर्च का नाम है होली ट्राइनिटी, स्टैटफोर्ड अपॉन की एक पवित्र चर्च है होली ट्राइनिटी में, उस चर्च में इनका दफन किया गया, इनका रेस्टिंग प्लेस है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑक्यूपेशन। बच्चों ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। अब आपको पता है इनका व्यवसाय क्या था, तो सबको पता है कि वह एक बहुत बड़े प्लेराइट थे। देखिए मैंने बहुत बड़े इसलिए जोड़ दिया कि सोचो 52 ईयर्स की एज में जिस इंसान ने इतने सारे प्ले लिख दिए हैं, कि जो प्ले आज तक अमर है और प्ले की वजह से वो भी अमर है, तो बहुत बड़े प्लेराइट थे, नाटककार थे। बच्चों प्लेराइट वह इंसान होता है जो कि प्ले लिखता है किसी ड्रामा कंपनी के लिए, और बहुत बड़े पोइट थे क्योंकि इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं और 2 कविताएं लिखी हैं। और ये एक्टर भी थे, आपने पढ़ा होगा इन्होंने अपने कुछ ड्रामा में एक्टिंग भी की है। अगला है वर्क्स, यानी कि देखिए ऑक्यूपेशन तो इनका हो गया प्लेराइट थे, अब एज ए प्लेराइट एज ए पोइट इन्होंने कितने वर्क्स लिखे, कितनी रचनाएं करी हैं। तो देखिए आपका है विकिपीडिया के अनुसार 39 प्लेज हैं। अब देखिए इनके जनरली आपको 37 प्ले लिखे मिलते हैं, जनरली आपको मिलेगा कि इनके 37 प्ले हैं, लेकिन यहाँ पर 39 क्यों, क्योंकि 2 ऐसे प्लेज हैं जिनको इन्होंने खुद ने लिख करके कोलाबोरेशन करा है। कोलाबोरेशन मतलब होता है किसी और राइटर के साथ लिखा है, तो 37 प्लस 2 39 हो जाते हैं। और 2 इनकी लॉन्ग पोएम्स हैं, 2 कविताएं हैं और 154 सोनेट्स हैं। तो इनका जो वर्क है 37 इनके खुद के प्ले हैं, 2 प्लेस में इन्होंने कोलाबोरेशन किया है किसी और राइटर के साथ लिखा है, तो 39 बन जाते हैं। 154 सोनेट्स हैं, सोनेट्स मतलब होता है आपको पता ना कि वो छोटी सी कविता जो 14 लाइन्स की होती है, और 2 इनकी लॉन्ग पोइम हैं जिनका नाम है, एक नाम है द रेप ऑफ लिक्रिस और दूसरे का नाम है वीनस एंड एरोनिस। और बच्चों अगला पॉइंट आपका है ईयर्स एक्टिव, यानी कि इनकी जिंदगी का वो ईयर कौन कौन से हैं जिसमें ये एक्टिव रहे हैं, जिन्होंने जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो इनका जो एक्टिव ईयर्स है वो है 1585 से लेकर के 1613 तक, यानी 1585 से लेकर के अपने मृत्यु के समय तक 1613 तक ये बहुत एक्टिव रहे। अगला है एरा, इनका एरा कौन सा है, इनका
एज कौन, देखिए आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर में एरा है, एजेस हैं, तो इनका जो एज है, इनके जो जन्म का या काम का जो एज है वो है एल्जाबेथन एज, और जिसको हम जैकोबियन एज भी कहते हैं। तो ये एल्जाबेथन एज के हैं और जैकोबियन एज के हैं। आपको पता है इंग्लिश में एरा भी है और मूवमेंट भी है, किस मूवमेंट में काम करा है इन्होंने, आपको पता है मूवमेंट, हम इस पर आगे काम करेंगे। तो ये जो है इंग्लिश के, इंग्लिश रिनेसेंस, एक रिनेसेंस मूवमेंट है बच्चों। रिनेसेंस मतलब होता है रिवर्थ, जिसमें साहित्य और कला का पुनर्जन्म हुआ है उस मूवमेंट से संबंधित है। और अगला पॉइंट है स्पाउज, बच्चों स्पाउज का मतलब होता है उनकी, स्पाउज मतलब होता है पार्टनर उनकी, यानी कि हस्बैंड या वाइफ कहलाता है। तो उनकी वाइफ का नाम क्या था, तो शेक्सपियर जी की वाइफ का नाम है, नाम था एनी हैथवे। क्या नाम था, एनी हैथवे नाम था, और इनकी शादी हुई थी, एम्फर मैरिज हुआ था 1582 को, 1582 में शादी हुई थी। और आपको पता है इनकी जो शादी हुई थी तब ये 18 साल के थे, और इनकी वाइफ यानी हैथवे की उम्र थी 26 साल, 26 ईयर्स। और ये भी कहा जाता है कि जब इनकी शादी हुई थी उसके 6 महीने के बाद इनका पहला बच्चा पैदा हुआ था, यानी कि इनकी जो वाइफ थी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। अगला क्वेश्चन आपका है चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे थे। तो इनकी जो पहली बच्ची, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इनके मैरिज के 6 मंथ के बाद पैदा हुई थी, इसलिए कहा जाता है कि शी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, यानी है थे बारे में। तो उनकी जो पहली बच्ची थी वो थी सुसाना हाल, ये लड़की थी सुसाना हाल। इसके बाद इनके ट्विंस हुए बच्चों, ट्विंस मतलब होता है जुड़वा बच्चे हुए, एक था हेमनेट शेक्सपियर और एक जूडिथ क्वीनी। तो सुसाना हाल लड़की थी जो पहले पैदा हुई थी, इसके बाद फिर ट्विंस हुए, जुड़वा हुए, और जुड़वा में एक लड़का था हेमनेट शेक्सपियर और एक लड़की थी जूडिथ क्यूनी। बच्चों आपको पता है कि शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ हमें क्यों नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि शेक्सपियर का एक बहुत ही, जैसा कि ये ट्रेजेडी के लिए फेमस हुए हैं, तो इनके जीवन में भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि इनकी लाइनेस आगे नहीं चल पाई, इनका वंश आगे नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि इनकी दो लड़कियां थी सुसाना हाल और जूडिथ क्वीनी, और एक बेटा था हेमनेट शेक्सपियर। तो हेमनेट शेक्सपियर जब सिर्फ 11 साल का था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है कि परिवार में लड़के से वंश चलता है, लेकिन कभी कभी लड़कियों से भी हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि सुसाना हाल की शादी हुई, इनके बच्चे हुए, लेकिन इनके बच्चे का जो शादी हुआ लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं हुआ और वो भी खत्म हो गया, तो आगे संतान नहीं चल पाई। और मैरी, और जो आपकी जूडिथ क्वीनी थी इनकी बेटी, उनकी भी शादी हुई थी लेकिन उनके कोई बच्चा ही नहीं हुआ था। तो इस तरह से आगे इनकी परंपरा नहीं चल पाई, आगे इनकी संतान नहीं चल पाई, इसलिए हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है विलियम शेक्सपियर के बारे में। और वो सब कुछ जो है बहुत ही डिबेटेड है, जिस पर बहुत ज्यादा बहस होती रहती है। अगला क्वेश्चन आपका है पेरेंट्स, यानी विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन कौन थे। तो इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। पापा जॉन शेक्सपियर और मम्मा मैरी आर्डन। और अगला पॉइंट है रिकग्निशन, इनको क्या पहचान मिली इंग्लैंड में, इनका क्या सम्मान मिला इंग्लैंड में। तो जैसा आपको पता है वैसे तो ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में इनको जो सम्मान मिला है, इनको इंग्लैंड का, इंग्लैंड नेशनल पोइट कहा जाता है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, या वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। बच्चों बार्ड एक मींस होता है एक बहुत बड़ा कवि या ड्रामा स्टोरी टेलर, तो ये बहुत बड़े कवि थे, स्टोरी टेलर थे, प्लेराइट थे। तो इनके दो उपाधियां मिली हैं इनको, इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है या बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। तो बार्ड ऑफ एवन क्योंकि बार्ड मीन्स कवि या प्लेराइट और एवन जगह के नाम है जहां पैदा हुए थे। तो मुझे लग रहा है बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके अंदर फोबिया होगा शेक्सपियर के बारे में, कि शेक्सपियर बहुत बड़े बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस एक छोटे से वीडियो में और मात्र 13 पॉइंट में
मुझे लग रहा है हमने बहुत कुछ आपको बता दिया है अबाउट विलियम शेक्सपियर। और ऐसी तरह से आगे ढेर सारे वीडियोज आपके पास आने वाले हैं, हर राइटर के बारे में आपके पास वीडियो आएगा, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में वीडियो आएगा, और इसी तरह से बहुत सिंपल ढंग से आपको जब सिखाया जाएगा तो 100% आप सीखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश मास्टर की ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे तो फिर आपकी सरकारी नौकरी पक्की होगी, इसमें कोई भी कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। आइए एक बार और रिविजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर एट ए ग्लांस, विलियम शेक्सपियर को बिल्कुल एक ग्लांस में, एक झलक में। तो फटाफट देखिए क्या पढ़ना है कि विलियम शेक्सपियर का बॉर्न कहाँ हुआ था, आपको सिखाया गया स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, वार्विकशायर में, इंग्लैंड में। उनका जन्म का तारीख था 23 अप्रैल 1564, जिसको सेंट जॉर्ज डे कहा जाता है। इनको जन्म के 3 दिन बाद चर्च में नाम लिखाया जाता तो बैप्टाइज बोलते हैं, उसका समय था 26 अप्रैल 1564। और इसी के हिसाब से बताया गया होगा कि 3 दिन पहले इनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि बैप्टाइज का नाम 3 तारीख पड़ा था चर्च में। और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616। तो लर्न करना बहुत आसान है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म भी है, 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु भी है, और जहां स्टैटफोर्ड अपॉन एवन जहां पर पैदा हुए वहीं पर स्टैटफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु के समय इनकी एज थी 52 साल। रेस्टिंग प्लेस इनको दफन कहां किया गया था, तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, बस आपको रटना है, उसी जगह पर एक होली ट्रिनिटी नामक चर्च में इनको दफन किया गया था। इनका व्यवसाय प्लेराइट थे, पोइट थे, एक्टर थे। इनकी रचनाएं, इन्होंने 37 अपने खुद के प्ले लिखे और 2 प्ले में इन्होंने राइटर के साथ कोलेबोरेशन किया, तो प्ले हो गए 39। 154 सोनेट्स हैं और 2 लॉन्ग कविताएं हैं। इनका एक्टिव ईयर्स 1585 से 1613 रहा है। इनका एरा एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा है। मूवमेंट इंग्लिश रेनेसांस मूवमेंट के हैं ये। ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे कि किस मूवमेंट से थे। स्पाउस एंड इनकी पत्नी का नाम एनी हैथवे था और 1582 में इनकी मैरिज हुई थी। चिल्ड्रन के थे 3, एक सुसाना हॉल लड़की थी, 2 ट्विंस थे, हैमलेट शेक्सपियर और जूडिथ क्वीनी। और पेरेंट्स, इनके पापा का नाम था जॉन शेक्सपियर, मम्मा का नाम था मैरी आर्डन। और इनकी जो जान इनकी जो पहचान हुई है इंग्लैंड में, दुनिया में, इंग्लैंड का नेशनल पोइट और बार्ड ऑफ एवर के नाम से जाना जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अब आपको शेक्सपियर के बारे में सब कुछ पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ और जानने की कोशिश करेंगे शेक्सपियर के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।